बाय 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 बाय। मौला की अमान में जाओ खैरियत से सारे। बस क्या हो गया, दुआएं लेके जाओ पागल को, क्यों नहीं हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। टाइम हो रहा है जी 7:30 बजे का, मेरा पुत्र भी उठ चुका है, मैं भी उठ चुका हूँ, हम दोनों रेडी हो चुके हैं। आज है सबसे मोस्ट अवेटेड व्लॉग, जिसका आप सबको भी बहुत इंतज़ार था, मुझे भी बहुत इंतज़ार था, दिल मेरा अंदर से ऐसे 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 कर रहा है। एक एक मेरी बहन है और वो आज लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझसे इतना दूर जा रही है, लेकिन जहाँ जा रही है वो खुद निगहबान है हर चीज़ के, मौला के पास जा रही है। आपको पता ही है आज गज़ल और गज़ल की फैमिली का सफ़र स्टार्ट हो रहा है अरबाइन का, तो हम जा रहे हैं उनको एयरपोर्ट ड्रॉप करने। आप रेडी हो जान? रेडी मेरा पुत्र, रेडी? आए आए, आई नो, बाकी व्लॉग्स की तरह जो मेरी आज एनर्जी है वो सेम नहीं है, लेकिन उसकी वजह सिर्फ यही है कि गजल दूर जा रही है, दिल डर रहा है, लेकिन दिल खुश भी बहुत है। सबसे पहले बट साहब रेडी होके बैठे हैं, सुबह 6:30 बजे के मैं अपनी तीनों छड्डन एयरपोर्ट चला हुआ। अच्छा जी, खैर ये सारी बातें बाद में। सबसे पहले आप सबका दिल से शुक्रिया, क्यों माँ जी, आप सबका दिल से शुक्रिया, आपने सिर्फ एक व्लॉग के शाउट आउट पे गजल के चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर कर दिए हैं ओवरनाइट। अभी को 3-4-5-6 दिन नहीं हो गए, सिर्फ एक रात में 10,000 सब्सक्राइबर, वो पागल हुई है कहती, मुझे लगा था 2-3 हजार सब्सक्राइबर हो जाएगा। मैं कहा बेटा ये रज्जब की फैमिली है, अम्मा ने आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं रखी हुई हैं, आप लोग वो रिसीव कर लें, फिर हम आगे का सफर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मौला तुम लोगों को सलामत रखे। कसम से मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सी ऐसी दुआ दूं जो आप लोगों को फौरन लग जाए, पर परवरदिगार आप लोग की सारी मुरादें पूरी करे। परवरदिगार मेरे मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका, मेरा जवान जवानियां, मारा नदान नदानी, तो खुश रहन, बाद शाद हो, आप लोगों के माँ बाप का सारे आप लोगों के सर पे मौला सलामत रखे, आप लोगों को कामयाबियां कामरानियां दे, दुनिया जहान में इज्जत दे, जिल्लत से बचाए मौला पाक, परवरदिगार हम लोगों को सबको जवार बनाए। और कसम से मुझे नहीं समझ आ रही आप लोगों ने मेरे भाई के लिए दुआएं की, मौला ने उनको इतनी प्यारी शिफा मौला ने दी है कि मैं आपको बता नहीं सकती, और आपने गजल का इतना साथ दिया, मैं कैसे शुक्र अदा करूं, कसम से मेरा दिल आपको। हमने सिर्फ 1,000 सब्सक्राइबर की बात की थी कि 1,000 सब्सक्राइबर कर दें हम व्लॉग अपलोड कर देंगे, ठीक है। मैं तो कह रही हूं कि मैं अपने दिल की गहराइयों से अपने बच्चों को दुआएं, बगैर किसी व्लॉग अपलोड के, बगैर किसी एक शॉट के, खाली उसकी एक प्रोफाइल पर 10,000 सब्सक्राइबर रातों रात हो गया। मैं कोई बहुत बड़ा जो है वो सेलिब्रिटी नहीं हूँ कि जिसने एक शाउट आउट लगाया सब वहां चले जाएंगे, सिर्फ क्या है कि फैमिली मेंबर है सारे प्यार करते हैं, उन्होंने ओवरनाइट उन्होंने रातों रात 10,000 सब्सक्राइबर कर दिया, वो पागल हो गई बाबर करती, इतने ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए मेरे। मौला इन सबको सलामत रखे, सब वैसे ही खुश बहादुर शाद रहे, सब बने मौला, आमीन सुम्मा आमीन। आपने कोई दुआ शुआ देनी है? ओके इंशाल्लाह, ओके इनको कामयाब करे, तरक्की दे, काम हर पास बोल बाला करे, आमीन सुम्मा आमीन। ओके ओके। अच्छा जी, बात तो वैसे सोचने वाली है कि मेरे घर से मैं खुद, बाबा, अम्मा और ये मिनसा, हम सब जा रहे हैं उसकी फैमिली को ड्रॉप करने, जबकि गाड़ी तो हमारे पास एक ही है, उसके फैमिली मेंबर्स कहाँ बैठेंगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप है माँ जी। नहीं नहीं, सोचना क्या है, हमने जुगाड़ कर लिया, हैदर आ रहा है, मेरा फ्रांड आ रहा है, अपनी गाड़ी लेके आ रहा है, कुछ फैमिली मेंबर्स उसके साथ बैठ जाएंगे, कुछ फैमिली मेंबर्स मेरे साथ बैठ जाएंगे, और जो सामान वगैरह है उनका ब्रीफकेस वगैरह वो भी दोनों गाड़ियों की डिग्गियों में हम बांट के रख लेंगे, सही है माँ जी? जल्दी कर ले, मैं इमाम जामन लेके खड़ी हूं। हाँ जी, इमाम जामन वगैरह अम्मा ने सब बना के रखा हुआ है, बस हैदर सोसाइटी के गेट पे आ गया है, जैसे ही आता है निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके भाई, लेबर आ गई है, ध्यान रखी, नींद शीन पूरी कर, मैं मैक्सिमम 1 घंटे तक वापस आ रहा हूँ, ठीक है? आप ही को मेरा सलाम दे। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ब्रो ब्रो ब्रो, यू आर लेट ब्रो। बस आपने लेट किया, मैंने तो नहीं किया लेट। मैंने क्या लेट किया, मैं तो 7 बजे को उठ के बैठा हुआ हूँ। रात को लेट किसने सुलाया? चलो जी, क्या डबल मीनिंग बातें कर रहा है, मैंने इसको सुलाया नहीं, हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे थे, वो बात करते करते रात को लेट हो गए, मैं उसके भी बात सोया हूँ रात को, एडिटिंग करके फिर सोया हूँ सुबह 4 बजे। तो आपकी तो क्या ही बात है। अच्छा मेरी बात सुनो, हम लेट हो गए काफी, हमने रस्ते में 1-2 चीजें लेनी है, रुकना है, आप मेरी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगाओ, निकले, ठीक है? चलो आ जाओ, आ जाओ फटाफट करो। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारा हैदरी। अच्छा जी, रास्ते में जो हमें काम है वो है काली मुर्गी वाला काम, हमें चाहिए एक काली मुर्गी सदके के लिए, क्योंकि सारे घर वाले जा रहे हैं, सदका देना बहुत जरूरी है, बाकी अल्लाह की अमान में इंशाल्लाह। तो अभी एक काली मुर्गी यहाँ से ले लेते हैं,
काली मुर्गी घाट काली काली शाह। हाँ है शाबाश धार कर बेहतरीन। चल रख दे डिग्गी में रख दे। किधर गया? एक मिनट रुक जा। चल रख दे रख दे। चल भाई। अच्छा जी, अगर आप मेरे लास्ट व्लॉग फॉलो नहीं कर रहे तो आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आज गजल और उसकी फैमिली का करबला की तरफ सफर स्टार्ट हो रहा है। 21 दिन का उनका टूर है। लाहौर से उनकी फ्लाइट है डायरेक्ट मशहद की। 12 बजे उनकी फ्लाइट टेक ऑफ होनी है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 9:30-10 बजे इन लोगों को एयरपोर्ट पहुंचना जरूरी है। अभी 8:15 हो रहे हैं। इंशाल्लाह 9:30-9:30 तक हम लोग एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। चलो जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या अमीर अल मोमिनीन। मुर्गी तो कट लगी अपनी। हमारी मुर्गी का बेचारी का सांस बंद हो रहा होगा पीछे। आ जा भाई आ जा, अल्लाह की राह में। चुप चुप चुप, शोर ना कर। तेरी शोर कितना करती है ये, तो बड़ा रोला डाल दिया पापा जी। हैं सलाम अलैकुम मेरा जवार भाई। रेडी एकदम? लेट तो नहीं हो गया मैं? नहीं नहीं। चलो यार। अच्छा अब्दुल रहमान, ये वाली गाड़ी भी है वो भी है, दोनों में सामान वगैरह रखना, फिट करो ठीक है, तरीके से रख लो। आप यहाँ बैठो छांव में, हम आते हैं सबको मिलके। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी रेडी सब? माशाल्लाह माशाल्लाह। सरकार तुझे किधर? कितनी प्यारी लग रही माँ, फर्स्ट टाइम मोबाइल में देखा। चल बस 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 बस, रोना नहीं भाई। क्या हालत? ठीक है? रेडी रेडी है माँ जी? रेडी यार, किडिया सोनिया लग रहा तुम दोवें यार भाई च हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। रेडी हैं? रेडी हैं? खैरियत से जाए, खैरियत से जाए, खैरियत से जाए। चलो चलो चलो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मौला की अमान में जाओ, खैरियत से सारे, खैरियत से वापस आओ। ये ना रख देते हैं, महबूबा भाई को दे देता हूँ, वो दे देगा किसी को ठीक है। अपना अब्दुल रहमान, महबूबा भाई ये लो। नहीं नहीं खुद नहीं खानी, ये किसी को दे देना, किसी डिजर्विंग बंदे को दे देना ठीक है। बैठो मामा जी, बैठो बैठो बैठो। अच्छा जी यार, ये देख जगह है डिग्गी में। चलो जी ओके, बचो सर बचाओ, बैठ 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 जल्दी कर। गजल साहब आप खैर से जा रही हैं, 21 दिन का सफर है आपका, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आज इस मौका मौसमत के हिसाब से कोई नोहा कोई कसीदा मेरे चैनल पे सुना जाएं, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मेरे व्यूअर्स को आपकी आवाज़, आपका नोहे, आपके कसीदे बहुत याद आएंगे, तो मेहरबानी करें कुछ सुना दें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे, 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 रोज़ाए शबीर पर दूंगा दुआ ले चल मुझे, जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे। है जहाँ गंजे शहीदा, है जहाँ नहरे फुरात, है जहाँ गंजे शहीदा, है जहाँ नहरे फुरात, जिस जगह सैयद मेरा प्यासा रहा ले चल मुझे, जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे, जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे, जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे, शब्बीर पर दूंगा दुआ ले चल मुझे, जिस जगह जागी थी किस्मत हुर की वो देखूंगी मैं, जिस जगह जागी थी किस्मत हुर की वो देखूंगी मैं,
से होती है ताले चल मुझे आसियों पे कैसे होती है ताले चल मुझे जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे रोज़े शब्बीर पर दूंगी दवा ले चल मुझे लाहमा सले अला मोहम्मद वाले थैंक यू सो मच थैंक यू। बस क्या हो गया दुआएं लेके जाओ पागल रो क्यों नहीं हो पीछे तेरी माँ भी रोंदी होनी पीछे हो जरा मनु पहले पता थी मम्मा भी नाल रो रहे थे माँ जी बस चुप करो क्या हो गया भाई इजी हो जाओ चलो जी एयरपोर्ट आ गया भाई कैसे जाओ ओके जी तो हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट ओके काके आपके जाने का टाइम हो गया है मम्मा जी इमाम जमान बांध दो सबको इमाम जमान बंधवा लो अपने और खैर से जाओ ओके और यार वो मैंने सच कहना था फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन इतना सारा प्यार दिखाने के लिए मैंने कोई अभी तक व्लॉग नहीं लगाया बट लिटरली रज्जब आर्मी है नहीं नहीं कोई आर्मी शार्मी नहीं है रज्जब फैमिली आर्मी शार्मी वाले ड्रामे नहीं मैं करता मैं मिलिट्री स्कूल नहीं खोलिया सब मेरे भाई हैं सब मेरे दोस्त हैं और रज्जब फैमिली है सब आर्मी शार्मी नहीं है तुम थैंक यू कर लो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द लव एंड द सपोर्ट और व्लॉग्स इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएंगे आप खैर से जाएं और आपने अकेले अकेले सब्सक्राइबर को दुआओं में याद रखना है जो बे औलाद हैं जिनको सेहत चाहिए हर चीज आपने याद रखनी है हर सब्सक्राइबर के लिए ठीक है ये फर्ज बन गया ना अब हाँ जी चलो जी इमाम जमान अम्मा ने बांधने स्टार्ट कर दी है सबको अब हर बंदे को जो है वो हमने इमाम जमान बांध देना है जो जो मौला का सवार है मौला की ईमान में रहें खैर आफियत से जाएं आमीन सुम्मा आमीन आप भी बांध लो आप मुझे बांध दो उधर बांध दो गजल को बांध दो यार भट साहब आया भाई नाइस शूज यार मेरी बेटी की पसंद है हाँ जी अपने तो इसने पहने नहीं हुए तेरे कितने भाई भाईजान हमने ये स्पेशल बनवाए ये चेक कर ले दिखा दे दोनों के अच्छा ये स्पेशल क्या है इसमें स्पेशल है ये हाथ के बने बेटा वाह जी वाह वाह ग्रेट यार ये स्पेशल मम्मा ने बनाया मम्मा ने खुद सिलाई की है ये सारे ना चलो जी अल्लाह की अमान में जाएं खैर आफियत से माँ जी हर जगह पे हर रोजे पे आपने दुआ में याद रखना है मुझे भी सारी फैमिली को और हर सब्सक्राइबर को भी इंशाल्लाह ताला सारे ही साढ़े बच्चे होंगे हाँ जी इंशाल्लाह ताला पापा के पास बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जान खैर से जा अपना ख्याल रखी यार तेरी बहुत याद आएगी और नहीं है बस ख्याल रखी मिंसा इसमें बैठो इसमें आप भी चले जाओ साथ आप ही के जाना अच्छा जी 10-15 मिनट रह गए हैं डिपार्चर में बस सी ऑफ हो रहा है सबका रोलो आपका भी दिल कर रहा नजर आ रहे मैं खुदा की कसम रो नहीं रहा इन सबके सामने गजल का तो रोना वरना चुप ही होना ये बहुत जल्दी रो पड़ती है फर्स्ट टाइम जा रही है इतना दूर तो दिल मेरा जो है ना वो लेकिन दग दग कर रहा है लेकिन ये है कि खुश भी बहुत है बाकी अल्लाह की ईमान में मौला के करम से फर्स्ट टाइम जा रही है ज्यारतों पे इंशाल्लाह खैरियत से जाएं खैरियत से वापस आएं और अल्लाह पाक हमारे नसीब में भी जाना लिखे हर एक ज्यारत को हाथ लगा के चूमना हमारे नसीब में भी हो सजका उतर रहा जी अब सबका और चलो बस कर दो क्या हो गया तुम्हें बस कर दो खैरियत से जाओ क्या तुमने मुझे रुला के सुकून लेना यार तू चुप कर जा तू रुवाई जा रही है खैर से जाओ मेरा बच्चा खैर से जाओ लो माँ जी लो भाई अल्लाह हाफिज मुझे भी मिल लो मैं व्लॉग बना रहा हूँ लेकिन मिल तो लो भाई मिल रहे हैं बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है जी अल्लाह हाफिज जी ख्याल रखना ठीक है ओके बाबा ओके माँ जी ओके भाई ओके भाई जान ओके पुप्पा जी अल्लाह हाफिज इतना मिलो कैसे जाए दुआओं में याद रखना इंशाल्लाह ठीक है बाय 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 Thank you.
आपने टेंशन नहीं लेनी, अगले साल इंशाल्लाह हम भी जाएंगे, ठीक है? रोना नहीं है यार, क्या हो गया, रो क्यों रहे हो? ले अगले साल इंशाल्लाह आपको लेके जाऊंगा, प्रॉमिस। बस दुआ करो अल्लाह पाक बाजू पकड़ ले, मौला की तरफ से बुलावा आ जाए, नेक्स्ट ईयर हम भी जाएंगे, प्रॉमिस। गाजी मोर लगाएंगे ना, फिर भी मैं जा सकूंगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आप एक बार गए हुए हो, लेकिन हम सब इकट्ठे अगले साल, ठीक है? गदर का मुझे वजह ये है कि उसको बचपन से पुरसा इसी तरह देती, जब तक आप उसको गले ला के पुरसा न दोगे वो नहीं संभलती ना। अब मैंने उसकी सास को कहा, क्योंकि ये तो देखे बगैर ऐसी थी, अब वहाँ पे इसे देख रहे नहीं हर चीज, तो इसको उधर गले ला के पुरसा दे दो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप ना परेशान हो यार। चुप 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 चुप, आ जाओ, बड़ी गर्मी, आ जाओ आ जाओ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आ जाओ भी, आ जाओ, बैठो बैठो बैठो। आप बैठ भी गए हो सबसे पहले, बैठो मौजी, बैठो, बड़ी गर्मी है, बैठ जाओ, शाबाश। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ओ की हो गया, कुत्ती आ गया ना पहली दफा, हाय बाजार करे, हाय भूख लगी है यार। नाश्ते करके घर चलते हैं बेटे। अच्छा जी, चलो जी, पट्टा का एक ही ठिकाना सिरी पाए। आए 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 आए, थैंक यू। चलो जी, आपका भी आ गया। हाँ जी, एक सेवन अप। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हैदर साहब, खुदा का खौफ कर लो, ये क्या हाल किया आपने? मैंने किया। तो और किसने किया? अपने प्लेट में डाल दिया, पी लिया। ओहो, सॉरी। अच्छा बेटे, अवैस के लिए नाश्ता पैक करवा लो। अच्छा जी, अच्छा। पापा ये अवैस का नाश्ता। ओके भाई, थैंक यू सो मच। जिम में होती मुलाकात इंशाल्लाह, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। चलो जी, घर पहुंच चुके हैं हम। भाई पांव बहुत दर्द हो रहे हैं मेरे तो। हाय ओके, तो YouTube फैमिली, नाश्ता वगैरह कर लिया, घर आ गए, गजल की फ्लाइट निकल चुकी है इंशाल्लाह। जैसे ही मशहद पहुंचेगी फिर वो मुझे कॉल करेगी। अब नींद से हो रहा है बुरा हाल, मैंने पिछली रात सारी एडिटिंग में गुजारी है और अब सुबह 6 बजे का उठा हूँ। आप लोगों को पता ही है, आप लोगों को नींद आ रही है कि कोई नहीं आ रही? आ रही है। व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा व्लॉग आज का, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और वंस अगेन गजल के चैनल पे इतना प्यार दिखाने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें और अपना ख्याल रखें। होती है मुलाकात नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।